यार आप लोगों को पता है मैं एक डिज़ाइनर हूँ और डिज़ाइनर होने के वजह से मुझे प्रोसेसेस बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि डिज़ाइन में ना प्रोसेस के बिना सब गड़बड़ी होता है। इसके वजह से प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यही चीज़ मैं मेरा लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे क्लियर चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अगर कोई कुछ गड़बड़ हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। इसके वजह से मैं सब कुछ प्रोसेस में डालने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं और मेरा वाइफ बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस का काम रहता है दिन भर, तो काम में पूरा टाइम निकल जाता है, फिर हमें खाना बनाने का इतना टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर रोल सुबह शाम और आफ्टरनून तीनों टाइम हम दोनों एक दूसरे से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, पता है क्या है? क्या बनाना है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था। एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि मेरा वाइफ बोल रही है कि तुम कुछ बनाओ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम कुछ बनाओ, फिर हम लोग ऐसे बात करते करते इतना टाइम हो गया, 3-4 बज गया, फिर एक तरफ से उसको भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। उस समय तो ऑर्डर कर लिए, कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन शाम को मैं बैठ गया, एक्सेल खोला और लिखने लगा, मंडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ट्यूसडे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसा एक टेबल बना के किस दिन क्या खाना है स्नैक के साथ, सब कुछ लिखा हूँ मैं। फिर मेरे वाइफ को बताया कि यार ये चीज़ हम फॉलो करेंगे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, हम ऐसे ही फॉलो करेंगे क्या? तो मैंने ये बोला कि ऐसा नहीं है, जब भी ये सिचुएशन आता है कि हमको क्या बनाना है, ये क्वेश्चन आता है, तो फिर ज़्यादा नहीं सोचते, सीधा ये एक्सेल में जाते, उस दिन उस टाइम पे क्या बनाना है वो लिखा रहते हैं, वो ही बना लेंगे। फॉर एग्जांपल उस दिन का आइटनरी में ये लिखा है कि भिंडी, तो फिर अगर हम लोगों ने कल ही भिंडी खा लिया तो फिर हम क्या करते, ऊपर नीचे देख लेते और कुछ जो भी इंटरेस्टिंग लगा उसमें से वो बना लेते। जब से वो एक्सेल बनाया ना, तब से मेरा ज़िंदगी आराम हो गया है। जब भी ये थॉट आता है कि क्या बनाना है, फटाफट एक्सेल खोलते हैं और उसमें जो है वो बना लेते मस्त है ना। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स और ऑफिस में काम करने वाले ये काम में लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं और खाने पे इतना ध्यान नहीं देते, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि आज क्या बनाना है, फिर वही सोच में टाइम भी निकल जाता है और अपना हेल्थ भी ख़राब हो जाता है। ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर तुम्हारे पास टाइम टेबल है, टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसको चेंज भी कर सकते हो। अगर पता नहीं चल रहा है क्या बनाना है तो फिर इमीडिएटली रिफ़र कर सकते हो। ऐसा ही एक प्रोसेस मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, इन्वेस्टमेंट के बारे में और मनी के बारे में, सेविंग कैसा करना चाहिए वो चीज़, अब वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हो या यहाँ पे, पता नहीं कहीं तो दिख रहा होगा, देख लेना, आपके लिए बहुत मदद होगा। ऐसे प्रोसेसेस बस खाने के लिए ही नहीं, बहुत सारे चीज़ों के लिए, मेरी ज़िंदगी को आसान और लेज़ी बनाने के लिए मैं बनाता रहता हूँ। वो सारे प्रोसेस मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को शेयर करूँ। अगर काम में आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये आइडिया अच्छा लगे तो डेफिनेटली ट्राई करना, और कमेंट पे लिखना आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या, आपको कोई पता है ऐसा कर रहा है जिसके साथ यही रोटेशन में हो रहा है, यही क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या बनाना है, राइट? तो बताना। चलो फिर वापस मिलते हैं कुछ और प्रोसेस के साथ। बाय बाय।